दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र रहे। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया, जिसके संबंध में संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा कि जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका आज चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना आसान नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में आज मीडिया आम जनता के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन लाने का कार्य करती है, उसी से लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण होता है। वहीं सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दे पाती हैं। उन्होंने कहा कि आज विवेकानंद के विचारों से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है, या मीडिया की ही देन है। वैश्विक विचारों से लोगों को जोड़ने एवं लाभान्वित करने का कार्य मीडिया द्वारा ही हो रहा है। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मीडिया हमारे राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए रक्त संचार की तरह है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं आम जनता की आवाज बनकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। वैश्विक स्तर पर संचार क्रांति ने मीडिया के विभिन्न रूप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा है। इससे एक ऐसे तंत्र का विकास हुआ है जो मानवीय सभ्यता के विकास को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है। लेकिन इस तंत्र ने मीडिया को चुनौती भी दी है। अब स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से जनसंचार माध्यमों को कार्य करना जोखिम भरा कार्य हो गया है। इसका निर्वाह करने वाले लोग लोकतंत्र के वास्तविक प्रहरी हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर राम प्रसाद यादव, विकास पाठक, डॉक्टर सुनील सिंह, संतोष त्रिपाठी, अंकित सिंह, अंकित पांडे सहित शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, निर्माण में मीडिया की भूमिका मीडिया के लोगों को बताने में थोड़ा सा संकोच हो रहा कि ये तो सब लोग हमसे हमको पहुंचने से पहले हमारे रिपोर्टर को पहुंचने से पहले ये सारे लोग वहां मौजूद रहते हैं जहां हमको जाना होता है। बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये फोटोग्राफर्स भी हैं इसमें और एक दो गणमान्य पत्रकार भी हैं उपस्थित सभागार में। लेक्चरर और प्रोफेसर सहित जो भी लोग हैं जो अध्ययन और अध्यापन में व्यस्त हैं उनकी दिनचर्या में बाबा गोरखनाथ, दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ, इन सबकी कृपा ऊपर बरसती रहे और इसी प्रकार के आयोजन कर मीडिया के उत्साह का संवर्धन करते रहे। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका आप सब लोग जानते हैं, विचारों के आदान प्रदान की भूमिका है। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन प्रणाली ये तय करती है कि किसको कब कैसे वोट देना है। जैसे आपने देखा होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण के विज्ञापन सूचना विभाग से निरंतर प्रकाशित होते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव का आगाज हुआ है, 12 नवंबर शायद चुनाव की तिथि है और 8 दिसंबर को उसके परिणाम आएंगे। इस चुनाव की प्रक्रिया के आरंभ होने से परिणाम आने तक के बीच की अवधि में जितना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो सब मीडिया के माध्यम से होता है। मीडिया ही वह स्रोत है जो बतलाता है कि आज नए मतदाता हिमाचल प्रदेश में 69,781 बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? इन्हीं सूचनाओं की वजह से। जो आप सूचना ये आपका सूची प्रकाशित करते हैं पुनरीक्षण सूची, इसमें फॉर्म 15, 16, 17, 18 विभिन्न उद्देश्यों से है। और ये आज से ही नहीं, आजादी के दौर में भी जिस समय जनमत का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वातंत्र चेतना को विकसित करना था, उस समय भी मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय जनमत के निर्माण में और उसको राष्ट्रीयता से कनेक्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उन समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के चुंबकीय प्रभाव के कारण जिस तरह से राष्ट्रीयता का ज्वार खड़ा हुआ, उसको देख करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से अखबारों पर औपनिवेशिक अंकुश लगाने का भी प्रयास हुआ। आपने मराठा और केसरी तिलक के अखबारों के प्रभाव को भी देखा और तिलक को मांडले जेल में अपने अखबारों के माध्यम से लेखन के द्वारा कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी, जहां पे कारावास झेलते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक एक अद्भुत पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ करके लिखी। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान जनमत निर्माण के ही उद्देश्य से पब्लिक ओपिनियन नाम से ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, वंदे मातरम, इंकलाब और युगांतर जैसे तमाम क्रांतिकारी समाचार पत्रों के माध्यम से इस देश के अंदर क्रांतिकारी चेतना विकसित करने के बड़े उद्देश्य को लेकर के क्रांतिकारियों ने भी समाचार पत्रों का प्रयोग किया था। दुनिया में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित नेपोलियन कहता था कि मैं हजारों तलवार से नहीं डरता हूं, लेकिन एक अखबार से डरता हूं। और मीडिया की इसी बहुआयामी भूमिका को लेकर के इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम जानते हैं, हम समझते हैं। आज का ये कार्यक्रम जनपद में जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, उनके अभिनंदन का कार्यक्रम था। और एक विशिष्ट व्याख्यान जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पे व्याख्यान भी था। इसमें जितने भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं, सबके संपादक, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी लोग उपस्थित थे। महाविद्यालय के तरफ से हम इनका अभिनंदन किए, क्योंकि हम जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं महाविद्यालय के स्तर पे, उसका सकारात्मक संदेश इनके सहयोग से ही समाज के अंदर जाता है, जिससे महाविद्यालय की छवि में एक सकारात्मक वृद्धि होती है। तो इनके प्रति कृतज्ञता भाव अपना प्रकट करने के उद्देश्य से इनका अभिनंदन आवश्यक था और उसी निमित्त आज का ये कार्यक्रम आयोजित था।